एवरीवन, मैं निकल चुकी हूँ अभी कॉलेज के लिए। सुबह के अभी 9 बजे हैं, ठीक है। और ये व्लॉग तो बहुत लेट आ रहा है। हमारे कैंपस में 24 दिसंबर को इलेक्शन होने वाले हैं, तो आज से शायद हलचल स्टार्ट हो जाएगी कैंपस में। तो दिखाऊंगी मैं आपको, ठीक है। और शादी है ये भी पड़ोस में, और मैं आपको सबके रिएक्शन भी दिखाऊंगी कितने ज़ोर शोर से SSG में पॉलिटिक्स चलती है, ठीक है। और यहाँ से रोड में जाने में इतनी ज़्यादा आफत आती है ना, अल्मोड़ा में चढ़ाई वही सच्चा। हॉस्टल में रहना ठीक है ना, इतनी चढ़ाई चढ़ के पेरेंट्स के लिए अपने बच्चों को स्कूल छोड़ना कितना हार्ड है। चलो रोड में आ चुकी हूँ और अब मैं यहाँ से लूँगी शॉर्टकट, क्योंकि ऊपर वाला रास्ता सीधे हमें कॉलेज पे छोड़ेगा। अभी यहाँ चल रही है NCC वालों की परेड, शायद ये फर्स्ट ईयर वाले हैं। हेलो, झाड़ लगाते हुए मैं ही संगल। गाइस फाइनली क्लास में पहुंच चुके हैं, और क्लास में कितने बच्चे आए हैं मैं आपको दिखाती हूँ। पूरी क्लास खाली है, गायत्री आई है। तो बच्चे और आगे मुझे साफ करना है ब्लैक बोर्ड। गाइस अभी 10 बज चुके हैं, बट हमारी क्लास की जो घड़ी है उस पर 9:48 हुए हैं। तो प्रियंका बहुत लंबी लड़की है, ये निकालेगी घड़ी को नीचे, मैं ठीक करूँगी। चल, मैंने यहाँ पे खिसका दिया चेयर। निकाल निकाल, हाँ उसके ऊपर उस पे जाना। हाँ मैं पकड़ूंगी, चल। अरे जा जल्दी फटाफट यार, ठोके की ये घड़ी नहीं निकाली, इतनी लंबी होने की बात है किसी काम की नहीं है। मैं होती तो पंखे चाले सब मैं साफ करती, इतने लंबे होने का फायदा। सो फाइनली गाइज, हम लोगों का प्रैक्टिकल खत्म हो चुका है। सुबह 3 घंटे हमने क्लास ली, 3 घंटे हमने मतलब 2.5 घंटे, ठीक है, 2.5 घंटे हमने क्या किया प्रियंका, प्रैक्टिकल किया। अब हम जा रहे हैं घर को, कैंपस खाली हो चुका है। गाइज देखिए, यहाँ पे बॉक्सिंग मैच होने वाला है, तो शायद लास्ट टाइम भी यहाँ पे मैच हुआ था, इस बार भी होगा, आई डोंट नो कब होगा। आज के ब्लॉग में मैं आपको बताने वाली थी कि SSG यूनिवर्सिटी में कैसे इलेक्शन की तैयारी होने वाली है, बट मेरी क्लास लगातार थी तो मैं कैंपस मतलब बाहर हमें परमिशन नहीं था जाने का, इसलिए बना नहीं पाई। और अभी हम शाम को छूटे तो कैंपस खाली हो चुका था, तो कोई था नहीं। अब हम जा रहे हैं बुक डिपो पे, क्योंकि हमें प्रैक्टिकल का काम करना है, तो उसके लिए फाइल चाहिए। सबसे मेन बात यह है कि हमारी फ्रेशर होने वाली है फिजिक्स डिपार्टमेंट में, और हमें जो थीम मिली है सीनियर्स ने दी है वो रेट्रो लुक है। अब समझ में नहीं आ रहा क्या पहन के जाना है। प्रियंका तू बता, तू क्या बन के जा रही है, कौन सी हीरोइन, और साथ में डायलॉग भी याद करना है, मतलब उसी लुक का डायलॉग बता दो। पता नहीं अभी सोचा नहीं। ये सोचा नहीं, मार्केट जाके आते हैं, देख के आते हैं कुछ मिलता है रेट्रो टाइप्स, और सामान भी लेके आते हैं प्रैक्टिकल का। आगे से हमारे अध्यक्ष जी जाते हुए, अध्यक्ष है ना तू तो? अच्छा कब है इलेक्शन? कांग्रेचुलेशन गाइस, पहले भंडारी हमें मोमो खिलाएगा यहाँ से सचिन चार से, फिर वोट मिलेगा। पहले बता दिया वोट चाहिए तो मास जी में गौरव भंडारी नहीं गाइस, ये मोमो खिलाएगा तो तभी वोट देना है, ठीक है। मिल चुके हैं हमारे आशीष भैया, और ये हमारी SSG की टाइगर, SSG की ब्लॉक क्वीन। ओ ये मेरा तो ये ब्लॉक फेमस हो यार, मजाक है क्या, सब तुम्हें जानते हैं? नहीं जानते, सब जानते हैं, मैं कह रहा हूँ यार, हम अच्छा। जानते हैं। हाँ तो ये हम इलेक्शन का माहौल स्टार्ट जो भी लोग प्रियंका के ब्लॉग को देखते हैं उनसे हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है कि कृपया हमारा साथ दें, हाँ अधिक से अधिक संख्या, और इन्होंने हमारे घर पीछे कराए थे ना, इसलिए वोट करो इनको, मैं तो इन्हीं के फेवर में हूँ। थैंक यू सो मच। हाँ ठीक है गैस, मैं वीडियो शूट कर रही हूँ तो मेरा फोन अपने आप ऑफ हो जा रहा है, और इमरजेंसी कॉल लग जा रही है बार बार, तो वीडियो अच्छे से शूट नहीं हो पा रही है, अपने आप ऑफ हो जा रहा है कैमरा। तो हम मार्केट में पहुँच चुके हैं, बट समझ नहीं आ रहा किस शॉप पे हमें रेट्रो वाली ड्रेस मिलेगी। कभी भी फिक्स शादियों की शॉपिंग अभी भी चल रही है मार्केट में, तो हम जा रहे हैं पहले इस दुकान में पूछने के लिए। यहाँ नहीं है तो समझ में नहीं आ रहा, यहाँ हर जगह स्वेटर्स कोट जैकेट लगी हुई है, हमारे लिए होगा नहीं होगा समझ नहीं आ रहा, किस शॉप पे हो सकता है, कंफ्यूजन। हर जगह ट्रेडिशनल ड्रेस शादी के चक्कर में, शादी का सीजन है ना इसलिए। और प्रियंका अपनी दीदी से सजेशन लेते हुए कि लेनी है कि नहीं लेनी है ड्रेस।
वही पगल का ड्रेस मतलब फूल का डॉटी पहनूंगी, नीचे से बड़े बड़े जूते पहनूंगी। मैंने सोचा तो लुक है बट वो होगा नहीं होगा पता नहीं, क्योंकि जो लुक मैंने सोचा है वो उस लुक के लिए चीजें मिलना काफी डिफिकल्ट है, लेकिन फिर भी देखते हैं। काफी शॉप में जाने के बाद हमें फिर भी अपने लाइफ का मतलब मुझे लग नहीं रहा कि यहाँ होगा, किसी भी अंदाजा तो आ ही नहीं रहा है कि किस शॉप पे होगा। अब हम थोड़ा खाना खा लेते हैं क्योंकि लंच तो होता नहीं है मतलब कॉलेज में, इसलिए हम अभी यहाँ जाते हैं। इसने अपनी दीदी से अभी तक पूरा सजेशन नहीं लिया, अच्छे से अभी तक बात करने में ही है। ऐसा क्या बता रही है आपकी दीदी? मेरी दीदी मुझे ज्ञान देती है। हाँ तो कौन सी ड्रेस लेने को बोल रही है दीदी? उसका मन था मैं साड़ी पहनूं, मेरा साड़ी पहनने का मन नहीं है। तो आपको साड़ी ही पहननी चाहिए क्योंकि इंडियन कल्चर में साड़ी ही पहनी जाती है। मेरा मन नहीं था कि मुझे समाज में जाती साड़ियाँ। तो साड़ी की बात क्या करेगी? नहीं पहनूंगी। शादी के बाद दो चार दिन तो तुझे साड़ी पहननी पड़ेगी, है ना गाइस? साड़ी संभालनी भी आनी चाहिए। हमने ऑर्डर कर लिया है, प्रियंका बता रही है सुबह से कुछ नहीं आया, मैंने भी सुबह से कुछ नहीं आया, कोई इंसिडेंट हो गया हमारे साथ। क्या हुआ? मैंने कहा हाँ क्लास में चूहे दौड़े थे तेरे पेट में। और पढ़ाई में मन नहीं लग रहा था, है ना? हाँ। जब पेट भरा होता है तभी मन लगता है। आज आपका दिन कैसा रहा? अच्छा रहा मेरा। हाँ? और आज कल मेरे सब्सक्राइबर्स ने 5K सब्सक्राइबर कंप्लीट होने के लिए एक कॉलेज में एक सब्सक्राइबर ने मुझे किटकैट गिफ्ट किया। उस किटकैट में से एक किटकैट खाली है, एक किटकैट बचा है। हाँ अब खाएंगे प्रियंका और मैं, खाना खाने के बाद मीठा खाएंगे। किटकैट है वो ब्रेक है वो किटकैट। हाँ तो मतलब सब्सक्राइबर ने मुझे अच्छा लगा, फर्स्ट टाइम किसी सब्सक्राइबर ने मुझे किटकैट गिफ्ट, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच प्रियंका। आपसे एक क्वेश्चन। हाँ जूनियर था। आजकल आप बहुत बिजी रहती है। हाँ कल को ब्लॉग ज़्यादा बना नहीं पाती, अभी हम थोड़ा कॉपी लेने वो फाइल लेने के बहाने से आए थे, तो थोड़ा मार्केट में देख लिया कि हमारे लाइक का रहे रूटीन वगैरह कुछ है नहीं है, बट मिला कुछ नहीं अभी तक। ऊपर से जाड़ों का सीजन है, ऊपर से जाड़ों का सीजन, उसके हिसाब से देखना पड़ेगा। हाँ ठंडों के सीजन के अकॉर्डिंग भी देखना पड़ेगा। ऊपर से अभी हमारे क्लास के बच्चे कहते हैं कि हम और इंडियन ही रेट्रो है, शायद अदर कंट्रीज का रेट होता तो फिर भी चलता। फिर प्रियंका अगर आपको इंडिया के अलावा रेट्रो थीम मिलता आप क्या पहनती? मैं जैपनीज पहनती और जैपनीज ट्रेडिशनल ड्रेस पहनती जिसका नाम है किमोनो, अच्छा लगता है वो। ऐसा ऐसा भी होता है उनके पास, ऐसा ऐसा वाला और पूरा मैच टाइप से। लेकिन एक्टिंग भी करनी, तो आप एक्टिंग कैसे करती इसकी जरा करके दिखाओ। क्या करनी है? कोनिचिवा। अरे मत नहीं, यही बोलते रहती है और क्या, जितना आता है बस कोनिचिवा। अब तू बता तू क्या पहनती है? पक का सरांगे कोरियन पहनती है। हाँ हमारा खाना कम आएगा ना मानो। तो हम लोग का नूडल्स आ चुका है, क्या चाहिए? यहाँ पे भी तो होगा, ये लीजिए। हम विराट में आए थे और इस कॉर्नर पे बैठी थी, मुझे याद आया कि हमारे साथ वैभव गद्यारी भी आया था और उसने हमें साइज भी पिलाई थी, बट अब वो इस दुनिया में नहीं है, मतलब उसने सुसाइड कर लिया। कैसे किया किसी को कुछ नहीं पता, इतना अच्छा दोस्त था। आप ऐसे बहुतों को भी नहीं पता होगा क्योंकि कैंपस में ज़्यादा लोग को पता नहीं था, ये पता चल जाएगा। क्योंकि मेरे जब हमने सुना ना तब बहुत बुरा लगा, कैसे कोई सुसाइड कर सकता है। मेन बात ये कि आजकल के बच्चों को थोड़ा भी स्ट्रेस होता है तो सह नहीं सकते, सहनशीलता होनी चाहिए, इतना बड़ा डिसीजन नहीं लेना चाहिए। लेकिन बुरा लगा वैभव के लिए। तुझे तू भी थी क्या जब वैभव आया था हमारे साथ यहाँ? नहीं थी? कितना अच्छा गाना गाता था ना वो। तो हम एक बार सिंपनी बैठे थे तो मालिक गाना गा रहा था, बहुत अच्छा गाना भी गाता था उसने। मैंने एक जब हमारी क्लास लगी थी उससे पहले उसको क्लास में बिठा के गाया था, कनक के नहीं वाला। क्या कर सकते हैं, कभी भी वो डिमोटिवेट नहीं होना चाहिए इंसान को, प्रॉब्लम सबके पास आती है ना, ऑलवेज बी पॉजिटिव। तो प्रियंका कह रही है नूडल से इसका कुछ होगा नहीं, तो इसको और कुछ खाने का मन है, तो पता क्या खाएगी? तो क्या खाना है जल्दी बता। वह बर्गर प्रियंका के लिए लेके आ चुकी हूँ मैं, ये अब ये खुट्टी सेक करेगी, बता क्या खाएगी। और आज हमें भूख ज़्यादा ही लगी इसलिए हमने मैंने मंगाया एग बर्गर, इसने मंगाया वेज बर्गर, और ये टमाटर नहीं खाती इसलिए इसने सेट कर दिया है। प्रियंका अब तो पेट भर गया होगा तेरा? हल्का अभी भी नहीं भरा। और प्रियंका गाइस प्रियंका ना इसने खुद बताया ये 10 रोटियां खाती है ना, 6-7 माय गॉड 6-7 रोटियां, और मैं सिर्फ 2 या 3 खा पाती हूँ। हमने खा लिया है,
अब किटकैट खाते हैं। शाम हो चुकी है और अब हम जा रहे हैं घर को। वही तो मैं सोने वाली मेरे को। यहाँ पे मुझे एक ड्रेस पसंद आई है, वाओ ये वाली ड्रेस कितना अच्छा है। ये वेलवेट का है, पिंक है, इस पर रेड दिख रहा है अभी कैमरे में। तो ये हमारे फिजिक्स प्रैक्टिकल का वर्क मैंने ले लिया फाइल, अब घर को चलते हैं। ठीक है, पीछे से ही नीचे चल जाना था बट मुझे अभी यहाँ से घूम के ऐसे जाना पड़ेगा, मुझे वहाँ का रास्ता पता नहीं है। बाय प्रियंका, अब ये जा रही है, तुम भी निकलो। गाइस ये गाय भी मेरे मुंह पे आ रही थी, ये कब जाएगा नीचे। ओए जाओ भाई, निकलना पड़ेगा रिस्क लेके। भागो गाइस। आज एंड गाइस आज मेरे संग बहुत बुरा हो रहा है, मेरे फ़ोन से अपने आप इमरजेंसी कॉल लग चुकी है, 20 बार तो लग गई होगी। और एक टाइम पे ऐसा था मेरे फ़ोन से अपने आप कैमरा ऑन हो जाता था, फिर अब दूसरा ही हो रहा है, अब इमरजेंसी कॉल लग जा रही है हर टाइम पे। और शाम हो चुकी है। ठीक है गाइस, आज का ब्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं। आई डोंट नो क्या बनाया है, कुछ भी नहीं बनाया है। बाय। तो फाइनली मैं रूम पे पहुंच चुकी हूं, बहुत थकान होगी आज क्योंकि घूम के आई ऐसे। एंड जानी ने क्या बनाया आज, पास्ता बना रखा है।